अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बहुत ही अहम वीडियो है, बात करूंगा आपसे मैं एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो लोग इस बार इस कोर्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, 6 तारीख को इसका टेस्ट है, 6-5 को, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कितने नंबर तक उनको जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है अगर आपको आइडिया नहीं होता तो कई बार तुक्का मारने के चक्कर में अपने नंबर कड़वा बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कितने नंबर आपको टारगेट करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में वो सिर्फ मेरा गैस है, लेकिन उम्मीद है काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। 100% उस बात को सच ना माने इस बात का पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले से हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि पास के रिकॉर्ड के बेस पे ही हम बात करते हैं। तो पास के रिकॉर्ड के हिसाब से बात मैं यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों कोर्स काफ़ी बढ़िया है, एक तरह से MBA का ही एक दूसरी फॉर्म है, MCOM बिजनेस मैनेजमेंट। MBA क्या होता है हम सब जानते हैं, बिजनेस मेरा मैनेजमेंट ही होता है, ये भी वही है। दोस्तों अगर आप जनरल हैं तो आपका जो टारगेट मार्क्स आपके होना चाहिए ना वो 45 तक होना चाहिए। अगर 45 तक आप पहुंच जाते हो किसी भी तरीके से, उसके बाद तुक्का मारना बहुत ही कम, और मैं तो कह रहा हूँ ना मारना उसके, लेकिन आप चाहें तो मारें। लेकिन ये सिर्फ मेरा आपको एडवाइस है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मेरा आपको यही एडवाइस है कि 45 तक अगर आप पहुंच जाओ तो हाथ बहुत देख के चलाना, उसके बाद तुक्का में शायद ऐसा ना हो नंबर आपके ज़्यादा कट जाएं। तो यहाँ तक पहुँच जाओगे तो उम्मीद है 90% केस में आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं ना, तो आपका टारगेट मार्क्स जो है ना वो अराउंड 38-40 होनी चाहिए, 38 से कम नहीं, और 40 तक पे तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बच्चे अगर 38-40 तक पहुँचते हैं तो कई बार उनको डर लगता है कि पता नहीं नंबर हमारा होगा नहीं होगा, तो तुक्का मारते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ भी आता है इसका। तो इसलिए अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएँ तो ज़रा कंट्रोल रखें अपने, मतलब अपने हाथ पे और दिमाग पे भी, कि तुक्का आपको ज़्यादा नहीं मारना। आपको आता हो तो आप 50 भी कर लें तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें अगर आपको नहीं आता है तो 40 तक अगर आप पहुँच गए हैं तो फिर आराम से बैठ जाइएगा। ऐसा मेरी सिर्फ एडवाइस, दोबारा बोल रहा हूँ, इसी तो मेरी एडवाइस है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। सो मुस्लिम OBC ST में अगर आप दोस्तों बिलोंग करते हैं, सो आपका टारगेट स्कोर अराउंड 35 तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब 90% केस में इन माई ओपिनियन इफ़ यू स्कोर अराउंड 35 देन यू आर इजीली गोइंग टू मेक इट टू द लिस्ट 1, बहुत ही आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप मुस्लिम वुमेन दोस्तों हैं तो यहाँ भी दोस्तों आपका टारगेट अराउंड 35-36 होना चाहिए, यहाँ तक अगर आप पहुँच जाती हैं तो बहुत चांस है आप क्वालिफाई कर सकती हैं। दोस्तों लास्ट कैटेगरी है जम्मू कश्मीर, दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैसे ना कैसे 25 तक पहुँच जाएंगे तो उम्मीद है आप लिस्ट 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन 25 से शायद कम पे कर जाएं, लेकिन 25 बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ सेफ मार्क्स आपके लिए होने वाले हैं, और ये हर साल पेपर टू पेपर वेरी भी करता है, लेकिन आमतौर पर जो पास रिकॉर्ड्स हैं वो यही बोलते हैं कि 25 तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो शायद आप क्वालिफाई कर जाएँ बहुत ईजीली, और 30 तक पहुँच गए तो फिर तो आपको मैं समझता हूँ 100% केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस कोर्स के अंदर। दोस्तों ये था मेरा गैस MCOM बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।